हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिस इज यश, योर टेकमेट। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो की तरफ से ओप्पो के सीरीज का नया स्मार्टफोन ओप्पो K11 5G चाइना में लॉन्च कर दिया गया है। एंड बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में भी आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। प्रोबेबली अगस्त के महीने में ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। जैसा चाइना में लॉन्च हुआ है वैसा का वैसा इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, कोई भी डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको एक्चुअल में इस स्मार्टफोन का वेट करना चाहिए या किसी और स्मार्टफोन को परचेस कर लेना चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन यहां पर आपको मिलते हैं, क्या फीचर्स दिए गए हैं, क्या प्राइस पॉइंट रह सकता है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बस एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बातचीत को। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक दी गई है, प्लास्टिक का बैग आपको मिलता है, प्लास्टिक का फ्रेम आपको मिलता है, ग्लास फ्रंट यहाँ पर दिया गया है। कौन से ग्लास के प्रोटेक्शन है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपको पांडा ग्लास के प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। सो मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाती है। एंड डिजाइन की अगर बात करेंगे तो गुड लुकिंग स्मार्टफोन है। बैक पैनल में अगर आप देखेंगे टॉप लेफ्ट में दो कैमरा रिंग्स दी गई है जिसके अंदर तीन कैमरास की हाउसिंग है, साथ ही में एलईडी फ्लैश आपको मिल जाता है। डुअल टोन फिनिश यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो सेंटर पंचोल वाला आपको डिस्प्ले दिया गया है, पतले पतले से बेजल्स हैं, पतली सी चिन आपको देखने को मिलती है। एंड कलर्स की बात करेंगे तो ग्रे कलर में एंड ब्लू कलर में, दो कलर्स में स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। दिखने में स्मार्टफोन अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड एंड डिजाइन में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में तो 6.7 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलेगा। मतलब लिटरली गाइस काफी बड़ा डिस्प्ले है, सिंगल एंड यूसेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, बल्कि आपको फोन लगेगा हाथ में काफी बड़ा सा फोन लगेगा, लेकिन कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले बहुत अच्छा दिया गया है। 6.7 इंचेस का जो डिस्प्ले है वहां पर आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है एंड 10 बिट का AMOLED पैनल यहाँ पर आपको दिया गया है। मतलब 1.07 बिलियन के आसपास आपको कलर्स मिलेंगे, कलर प्रोफाइल डिस्प्ले की बढ़िया रहने वाली है, व्यूइंग एंगल्स आपको अच्छे मिलेंगे, कंटेंट वॉचिंग में मजा आएगा। वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन यहाँ पर आपको दिया गया है, साथ ही साथ HDR10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। सो ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग के लिए तो डिस्प्ले बहुत बढ़िया दिया गया है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर आपको मिलता है, 394 PPI की पिक्सल डेंसिटी मिलती है। ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे समवेयर अराउंड 1100 निट्स की यहाँ पर आपको ब्राइटनेस मिलती है, मतलब विजिबिलिटी का भी इशू नहीं आने वाला है। इंडोर विजिबिलिटी तो बहुत बढ़िया रहेगी, आउटडोर विजिबिलिटी डायरेक्ट सनलाइट में भी ये जो डिस्प्ले है प्रॉपरली विजिबल रहेगा, कोई शिकायत आपको नहीं आएगी। तो ब्राइटनेस आपको बढ़िया दी गई है, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, स्मूथनेस आपको अच्छी मिल जाएगी एंड 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है, मतलब टच रिस्पॉन्स भी यहाँ पर आपको अच्छा मिलने वाला है। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी में आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत बढ़िया दी गई है, साइज अच्छा है, पैनल अच्छा है, रिफ्रेश रेट अच्छा है, ब्राइटनेस अच्छी है, सारी चीजें बढ़िया है, तो डिस्प्ले में शिकायत नहीं है। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में तो इस फोन को शक्ति प्रदान करेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G चिपसेट। ये जो चिपसेट है OnePlus Nord CE3 में ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है, साथ ही साथ iQOO Z7 Pro में भी आपको देखने को मिलेगा एंड इस फोन में भी आपको 782G मिलने वाला है। अच्छा चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंट है, 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहती है, हीटिंग का इशू आपको कम देगा, थर्मल मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा। थर्मल मैनेजमेंट को और बेटर करने के लिए यहाँ पर आपको डेडिकेटेड कूलिंग चेंबर भी देखने के लिए मिलता है, ये काफी अच्छी बात है। सो गरम वरम नहीं होगा भाई आपका फोन एंड परफॉर्मेंस अच्छी देगा। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो 2.7 GHz की पीक क्लॉक स्पीड आपको मिलती है, आर्म कॉर्टेक्स A78 वाले कोर्स आपको मिलते हैं, तो डे टू डे की जो परफॉर्मेंस है बढ़िया मिल जाती है, मल्टीटास्किंग बढ़िया तरीके से हो जाती है, वहां शिकायत आपको नहीं आएगी। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Adreno 642 LGPU आपको मिलता है जो कि बढ़िया गेमिंग आपको करा देगा, 60 FPS तक की गेमिंग विदाउट एनी लैग्स, विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप्स आप कर पाएंगे। सो यस, गेमिंग का एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ LPDDR4X रैम यहाँ पर आपको दिया गया है एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज आपको मिलता है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी मिलने वाली है, परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे कैमरास के बारे में तो 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है। प्राइमरी कैमरा आपको मिलता है 50 MP का, जहां पर आपको मिलेगा सोनी IMX890 सेंसर। अभी सेंसर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, OnePlus Nord 3 में आपको मिला है, Nord CE3 में मिला है, OnePlus 11 में मिला है, और भी बहुत सारे फोन्स में आपको ये वाला सेंसर देखने के लिए मिल रहा है। सेंसर काफी अच्छा है, इमेजेस बढ़िया निकाल के देगा। 50 MP का प्राइमरी कैमरा विद OIS आपको मिलता है, साथ ही में 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, 2 MP का मैक्रो कैमरा मिलता है। 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है। 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर रेयर कैमरा के साथ में,
एंड फ्रंट कैमरा की अगर बात करेंगे तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें, कैमरा सेटअप डिसेंट है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैमरा सेटअप नहीं दिया गया है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, अच्छा डिसेंट कैमरा सेटअप आपको मिलता है, आउटपुट वगैरह भी बढ़िया आएंगे, तो कैमरा में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे बैटरी के बारे में, 5000 mAh की बैटरी दी गई है, बढ़िया साइज की बैटरी है क्योंकि एमोलेड के डिस्प्ले के साथ में 6 नैनोमीटर का एनर्जी एफिशिएंट चिपसेट और 5000 mAh की बैटरी, मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा है, बैकअप आपको अच्छा मिलेगा। नॉर्मल यूसेज पर 1 दिन से ज्यादा का बैकअप, 1.5 दिन 1.5 दिन का बैकअप ये जो बैटरी है आपको आराम से निकाल करके दे देगी, तो बैकअप में आपको शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ 100 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा और 100 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। मेरे हिसाब से बैटरी मॉड्यूल बढ़िया मिलने वाला है, बैटरी का साइज अच्छा है, बैकअप आपको अच्छा मिलेगा, चार्जिंग स्पीड काफी अच्छी दी गई है, चार्जर इनबॉक्स आपको मिलता है, तो आई डोंट थिंक कि बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत आएगी, बैटरी मॉड्यूल बढ़िया मिलने वाला है। चार्ज करने के लिए यूएसबी टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, 3.5 mm जैक की अगर बात करेंगे तो वो यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है, ये जो फोन है विदाउट 3.5 mm जैक आएगा, तो ये कमी आपको लग सकती है। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करेंगे तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिलेगा, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स मिलेंगे, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी लाइट सेंसर, कंपास, फलाना ढिकाना सब मिलेगा भाई, तो सेंसर्स में आपको कमी नहीं मिलेगी। बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, एंड्रॉइड 13 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में मिलेगा कलर OS 13, लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन मिलने वाला है, लेटेस्ट कलर OS मिलने वाला है, कलर OS का एक्सपीरियंस जो है वो बढ़िया रहता है, हल्के फुल्के ब्लोटवेयर से आपको काम चलाना पड़ता है, लेकिन भाई साहब फीचर्स भी आपको मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका डिसेंट रहेगा, वहां पर आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे स्पीकर्स के बारे में, तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको मिलते हैं, ऑडियो क्वालिटी बढ़िया आपको मिलने वाली है, फोन का जो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि डिस्प्ले अच्छा दिया गया है, स्पीकर्स आपको अच्छे दिए गए हैं, तो यहां पर आपको अच्छी खासी साउंड डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगी, लाउडनेस आपको अच्छी मिलेगी, तो मेरे हिसाब से ऑडियो क्वालिटी में शिकायत आपको नहीं आएगी। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करेंगे तो कार्ड स्लॉट यहां पर नहीं दिया गया है, 2 नैनो सिम आप लगा सकते हैं लेकिन एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकेशंस तो अच्छे हैं लेकिन OnePlus Nord CE 3 जैसे ही है, केवल वहां पर आपको 80 वॉट की चार्जिंग मिलती है, यहां पर आपको 100 वॉट की चार्जिंग दी गई है, वहां पर आपको ऑक्सीजन OS मिलता है, यहां पर आपको कलर OS मिलता है, बाकी कोई भी डिफरेंसेस नहीं है भाई, बिल्ड क्वालिटी से लेकर के सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है, डायमेंशन, वेट, सारी चीजें सेम है, बस चार्जिंग की स्पीड में डिफरेंस है एंड UI में आपको डिफरेंस मिलता है। बात करेंगे प्राइस पॉइंट के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है चाइना में 3 वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, 8+256, 12+256 एंड 12+512। प्राइस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो 8+256 बेस वेरिएंट का चाइनीज प्राइस है 1799 चाइनीज युआन, मतलब कन्वर्ट करो तो बनते हैं 20,690 रुपए। इंडिया में जब आएगा थोड़ा सा प्राइस इसका ज्यादा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये जो स्मार्टफोन है 8+256 GB आपको 25,000 के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, एंड 25,000 के अंदर ये स्मार्टफोन अगर लॉन्च होता है, क्योंकि OnePlus Nord CE 3 आपको मिलता है 26,999 रुपीस में, साथ ही में वहां पर ऑफर लगाने के बाद में वो स्मार्टफोन आपको मिलता है 25,000 के अंदर, लेकिन अगर ये स्मार्टफोन विदाउट ऑफर्स 25,000 के अंदर लॉन्च कर दिया जाता है तो आई वुड से कि एक बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके क्या विचार हैं इस फोन के बारे में, अगर ये स्मार्टफोन 25,000 से अंदर लॉन्च होता है तो क्या ये स्मार्टफोन आप खरीदना पसंद करेंगे या फिर OnePlus Nord CE 3 की तरफ जाना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय-बाय।